4000 काम हो गया, 5000 लगता था उधर, इधर फायदा ही हो गया। मेड सिटी में जाते हैं और उधर ही फिर गाड़ी का किराया भी बहुत लगता है, बिल्कुल इसको फायदा भी फायदा ही है। फिर इधर बोलते हैं थोड़ा कम है, फायदा ही साथ में है। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर डायलिसिस यूनिट जो एक स्कीम आई है सेंटर की, इसमें लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डायलिसिस यूनिट जो एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसमें 4 से लेकर 6 मशीनें जो है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस और जो वर्क लोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं 4 हैं, कहीं 6 हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारे पास 4 मशीनें हैं और यहाँ के लोगों की भी एक बहुत डिमांड थी। यहाँ के लोगों को, यहाँ के पेशेंट को, किडनी पेशेंट को या तो GMC जम्मू जाना पड़ता था तो उसके बाद जाकर जो नोएडा हॉस्पिटल हमारा यहाँ पर वहाँ लोग जाते थे। अभी मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था, मुझे बता रहे थे कि एक सिटिंग का हमें लगभग 4000 से 5000 खर्चा होता था। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रेट फिक्स हैं वो है 900 पर सेशन और जो BPL हैं, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे जितने भी सेशन लगे जितनी बार उनको आना पड़ेगा यहाँ फ्री होगा उनको। और हमारे डॉक्टर यहाँ ट्रेंड हैं, डॉक्टर हमारे जो GMC में ट्रेंड किए गए हैं, लगभग 4 से 6 हमारे पैरामेडिक्स हैं वो ट्रेंड हैं। आप देख रहे हैं पूरा यूनिट ये एक मिशन है, इसमें और भी जो अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो डॉक्टर साहब ने बात की है, हमारे CMO साहब, हमारे ऑनरेबल MLA यहाँ है पवन गुप्ता जी, ये भी मॉनिटर करेंगे यहाँ का। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि लोगों को जो है अच्छी से अच्छी सुविधा मिले और जो लंबा इंतज़ार करना पड़ता था डायलिसिस की डेट के लिए और एक बड़े ज़्यादा खर्चे पे जो ये डायलिसिस होता था, मैं समझता हूँ उससे लोगों को ये आराम। डॉक्टर साहब और क्या नया करने जा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ सेक्टर की बात करें तो और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी ताकि पेशेंट्स को जो है रिलीफ मिले, ताकि उनको स्टेट के बाहर ना जाना पड़े। ये डायलिसिस यूनिट हम जो यहाँ चला रहे हैं इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो नया लॉट हमारा एक लड़कों का आ रहा है, जो बच्चे हमारे DM करते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, अभी हमारे पास 371 डॉक्टर्स हमारे जो सेलेक्ट होकर आए हैं BSc से, उनमें काफ़ी बच्चे हैं हमारे जो DM और MCS करके आए हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि हर जो डॉक्टर है वो कहता है मुझे GMC में जम्मू में लगाइए, श्रीनगर में लगाइए, हम उनको वहाँ भेजने की बजाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम फोकस करेंगे कि वो सुपर स्पेशलाइजेशन की फैसिलिटी है, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर है, डोडा है, जहाँ पे ये फैसिलिटी सुविधा नहीं होती है वहाँ उनको पोस्ट करें। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हुई है, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ नड्डा जी से बात हुई है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले साल में कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 से 2 जो सुपर स्पेशलिटी है, चाहे वो DM है चाहे MCH है, उसको भी जहाँ स्थापित किया जाए।